बाद स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। 2024 की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट चुकी है और इसी को लेकर के हरियाणा प्रवास पर आने वाले केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम को लेकर तीन लोकसभा के पदाधिकारियों की गुरुग्राम में बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनकर ने की है। हरियाणा में बीजेपी पार्टी लोकसभा की सभी 10 सीटों को जीतने के लिए लगातार बैठकों का आयोजन कर रही है। सबसे पहले सांसदों के साथ बैठक की और उसके बाद विधायकों के साथ बीजेपी के बड़े दिग्गजों ने मंथन किया। इसके बाद जिला अध्यक्ष, जिला और जिला प्रभारियों के बाद लगातार प्रदेश में पन्ना प्रमुख सम्मेलन चल रहा है और ये तमाम तैयारियां 2024 को लेकर बीजेपी कर रही है, ताकि सभी 10 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। वहीं हरियाणा लोकसभा के प्रवास सम्मेलन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सोनीपत, रोहतक और सिरसा लोकसभा के संयोजक और प्रभारी मौजूद रहे। साथ ही इन तीनों लोकसभा में पड़ने वाले 27 विधानसभा सीटों के संयोजक और प्रभारी भी इस बैठक का हिस्सा रहे। और इसके अलावा हरियाणा में लोकसभा प्रवास के प्रभारी नायब सिंह सैनी और केंद्र सरकार की तरफ से प्रवास के इंचार्ज और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी इस बैठक में मौजूद दिखे। तीन लोकसभा में प्रवास काल में चले गए केंद्रीय मंत्रियों का, रोहतक, सोनीपत और सिरसा। पहले भी हमारे सोनभद्र सोनेवाल जी का, संजीव बाल्याण जी का, गजेंद्र शेखावत जी का और अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास हुए हैं। उस प्रवास के तहत ही हमने इन 27 से विधानसभाओं में कई व्यवस्थाएं कर रखी हैं। विधानसभा अनुसार हमने विस्तारक लगा रखे हैं, जिसकी बैठक पिछले दिनों रोहतक में थी, आप लोगों ने रोहतक वालों ने कवर की थी। पर आज विधानसभा अनुसार प्रभारी और संयोजक उनको बुलाया है। नायब जी सैनी इस काम के पूरे हरियाणा के इंचार्ज हैं प्रवास कार्यक्रम के, और नरेश जी बंसल हमारे प्रभारी हैं केंद्र की तरफ से, जो राज्यसभा सदस्य हैं। और आज उसी की एक बैठक गुड़गांव अभी कार्यालय पर है। इस दौरान जहां हरियाणा के बड़े दिग्गज नेताओं ने तमाम प्रभारी और संयोजक और केंद्र के मंत्रियों के प्रवास के दौरान व्यवस्था बनाने की दिशा निर्देश दिए, वहीं पर केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए और कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ हरियाणा सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि 2024 में बीजेपी एक बार फिर से सभी 10 सीटों पर कमर खिला सके। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनकर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें हुड्डा ने कहा था कि जब से हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लव देव नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर हरियाणा में आए हैं, तभी से नॉर्थ ईस्ट के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें वापस नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हुड्डा को अपने गृहबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि जब हुड्डा की सरकार हरियाणा में थी तो हालात इससे भी ज्यादा बदतर थे। देखिए, भूपेंद्र जी जो है वो हरियाणा के क्या क्या हालात भूपेंद्र जी के समय में हुए थे, ये हम सब के ध्यान में भी है। जो ही भाजपा की नई सरकार बनी थी, तब जो स्थितियाँ थी, इसलिए मैं कहूँगा कि ये शुभेच्छा तो ठीक है, लेकिन गिरेबा में जरूर झांक के देखते रहना चाहिए। बहरहाल, जिस तरह से लगातार बीजेपी पार्टी पन्ना प्रमुख को लेकर के सांसदों तक और केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास के कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी है, उससे यही लगता है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बहरहाल, ये तो 2024 ही तय करेगा कि हरियाणा में बीजेपी लोकसभा की कितनी सीटें जीतती है और विधानसभा में किसकी सरकार हरियाणा की जनता बनाती है।